अच्छा एवरीवन, मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये जो टेक्सचर ऐसे रेडी होता है जिसे हम कहते हैं बर्तन बनते हैं मिट्टी के, उस तरह की जो क्ले डो वो रेडी करते हैं, क्ले डो जो रेडी करते हैं बर्तन बनाने के लिए, सेम उसी तरह से हमें इसको रेडी करना होता है इस टेक्सचर की शेप्स को बनाने के लिए, वरना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता और बिल्कुल भी इसके अंदर वो स्नैपी साउंड नहीं आएगा, ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे पाउडर है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जिम चाक वाली फीलिंग आए तो आप इसको इस तरह से बनाएं, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने बनाया है ना, अब ये चंक मुझे मेरे हाथ से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ ताकि मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँ, और जब ये ड्राई हो तो ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा। अभी तो ये बहुत हैवी है लेकिन जब ये ड्राई हो जाता है तो बिल्कुल लाइट हो जाता है, वैसे हल्का हो जाता है एकदम। तो ठीक है, ये रेडी है, इसको रख देते हैं। चले, अब जो ये बाकी का हमारे पास टेक्सचर है इसको हम गूंद लेते हैं उसी तरह जैसे हमें चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसमें पानी मिला दिया और ये खूब कचोले मार लिए। ये देखिए, ऐसे गूंदना है इसको, यकीन करें मेरे हाथ रह गए इसको रेडी करने के लिए। अगर बड़ी आपके अंदर इस चीज़ को करने के लिए हिम्मत है, स्ट्रेंथ, पावर, जो भी, आप तभी इस टेक्सचर को बनाए, ना इसको टेक्सचर को बनाना आसान नहीं है। ये देखिए, ओके, ये देखिए ऐसे रेडी कर करके हमने रखी।